असा अची विया आहियूं किचन में, असां सां गॾु मुनज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज आप मुझे थोड़ी सी ड्रिम ड्रिम क्यों लग रही हैं? क्यों? कलर की वजह से हो सकता है। नहीं एक अच्छा हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही शौक कलर पहने। हां नहीं ऐसा असल में जो कलर पाता है लाइक शौक कलर है। आपने ठंडा ठंडा कलर लगे नहीं, वैसे ही कलर आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं और ये जो ना ऑन स्क्रीन अच्छे लगते हैं वो अलग बात है, सामने तो कोई देख के कहता ओए हाय कोई ऐसे कहां जा रहे हैं। बहरहाल आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूं बैंगन आलू। बैंगन आलू, वाओ। ये बैंगन मुझे बस फ्राई करते हुए अच्छे लगते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आप तो मुझसे पूछें कि मैं क्या बना के आई हूं, क्या बना के बता दें। क्या बना के बता दें आप बताएं। कीमा तो नहीं बनाया कहीं आपने? क्योंकि आप कीमा तो बनाने ही वाली थी। मैं कढ़ाई, मुझे लग रहा है किसी का कीमा मेरा तो वैसे बन जाएगा। कढ़ाई और गैस, गैस मैक्रोनी नहीं, मैं आज बना के आई हूँ व्हाइट हांडी। आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मामा पूरे रमजान में हमने इतना मिस किया है कि अफ्तार के टाइम आपके हाथ की कोई चीज नहीं खा रहे। जब आप आ रही हैं उसके बाद जब हमें कोई टाइम मिलता है तो हम कुछ खा लेते तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज वैसे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आपको मैं बना के देती हूँ अच्छी सी कोई रेसिपी जो आपकी पसंद की हो। तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए हांडी वो भी व्हाइट। मैंने कहा नहीं करे, तो इस वजह से आते आते थोड़ा थोड़ा मैं लेट भी हो गई, लेकिन ऑनियन अपने टाइम पे थी। ख्याल से सबसे बड़ा खतरनाक काम ये होता है। खोले खोले तो चलेगा। थैंक यू। अच्छा जी, और मुनज़ा आपने हमें मिस किया? मतलब मिस किया यहाँ पे क्या बोलने लगी थी मैं, कुछ बोल रही थी। अच्छा ये अज आलू ए बैंगन ठाए थी ए जई चवे थी पान मा थदो कलर पातो आहे उन हिसाब सा आज थदी सब्जी ठई रही है। चवना थदी थदी सब्जी आज मैंने बोले नहीं का पो चिकन बिल्कुल पेटी सियाड़ो कुछ को न होंदो। मैं का रोज रोज चिकन खा के जो है ना बस आज सालन है, आज थक गए होंगे। सालन तो चिकन का भी होता है। नहीं सालन तो चिकन मतलब होता है, इसको कहते हैं सब्जी का सलाद। सब्जी बिल्कुल बिल्कुल यहां पे ये सब्जी बन रही है हमारी आज माशाल्लाह से कौन 16 रोज है ना। Yes. हाँ, 16 रोजे को सब्जी बन रही है और ये यादगार सब्जी है आलू बैंगन। आलू बैंगन मुझे और किस चीज में बनेगी? वो रख दी तलो कुकिंग ऑयल में। अच्छा तलो में बनेगी। वाओ। अच्छा यहाँ पे जो बैंगन है मैं इसकी जो 17 रोजा है ना सोरू क्या हो गया सोरू आए। अच्छा उन्होंने एक दिन का शो हमारे साथ मिस कर दिया ना तो बस। हाँ, तो मैं सही हूँ अपनी जगह, मैं 16वें दिन आई हूँ। 17 वाला दिन जाना मेरा मिस हो गया। ओहो लेकिन जिसने मुझे ये बताया ना वो आज नहीं मिस होगा, आज वो नहीं बचेगा। आज वो गया। हाँ जी, तो अब क्या कर रही हैं? अच्छा मैं पहले ये बैंगन कट कर रही हूँ छोटे क्यूब्स में। आप लोग अपने हिसाब से इसका साइज और वो रख सकते हैं, मुझे इस तरह से पसंद है। डंडिया मैं नहीं हटाऊंगी, क्यों नहीं हटाऊंगी, के साथ ही रखूंगी। लोग अच्छा आता है। अच्छा लेकिन हम लोग हटा देते हैं ना, ऐसा खत्म करना हो डंडियों, इतनी कंजूसी मतलब ये भी पकानी है आपने। अच्छा तो जब खाते हुए जाहिर है वो तो हटा ही देंगे, लेकिन जब सालन में पकती है सालन में पकेंगे तो स्वाद तो सुठियो लगंदी है। लोग अच्छा आता है। बिल्कुल गुड गुड लड़की, क्या बात है आपकी। वाह। अच्छा इस तरह से हम इसको सॉरी एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं, बोलो हम ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको यहां पे रख देती हूं बैंगन। वाओ। अच्छा ये फूल काले काले नहीं हो जाते इसके लिए फिर क्या होता है? इसीलिए मैंने हाथ के हाथ इसको कट करने के लिए रखा है। मैं इसको अभी कट करके फौरन ही इसको ऐड कर दूंगी। अच्छा ये गरीब जल्दी वेंदा है बैंगन भी जल्दी। अच्छा जब तक मैं इसको कट कर रही हूं मैं प्याज जो है ब्राउन होने के लिए इतने भी जल्दी नहीं गल जाते, आलू भी जल्दी गल जाते। मैं आपको टाइम लगता है, तलो कुकिंग ऑयल पहले मैं डाल दूं फिर उसके बाद आपने जो है ना अच्छी बातें बतानी है। अच्छी बातें बतानी अच्छी जो है वो बड़ी काम की बातें हैं। वो ये है कि हम भी कभी कभी कुकिंग करते हैं ना तो उसमें हमारा जो फेवरेट है वो ये फ्राई वाले हैं। मुझे पके हुए जो तलो कुकिंग ऑयल और इसमें मैं डालूंगी प्याज ब्राउन होने के लिए। जब तक ये प्याज ब्राउन होगी तब तक मैं जो है फिर ये ख्याल से मिर्ची ना मेरा हरा धनिया चला गया इसके अंदर। मेरा हरा हमने एक को पकड़ा दूसरा चला गया। चलो कोई बात नहीं, हम ये तला हुआ हरा धनिया निकाल लेते हैं। जब तक ये ब्राउन होगा तब तक मैं बैंगन भी कट कर लूँगी, वो भी कट हो जाएंगे। अगर हम प्याज ना डालें तो ग्रेवी बनेगी प्याज से, टेस्ट भी आता है। सही है जी। टमाटर रेसिपी बताती है कि आपने फर्स्ट में अभी इसको प्याज फ्राई करनी है, फिर मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी और लहसुन अदरक डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूंगी आलू और फिर इसमें मसाले जाएंगे। मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे, धनिया लाल मिर्च और नमक, बस तीन चीजें। यस आज बड़ी बात है कि पहली बार कोई बहुत मसाले कम तर हमें नजर आए। अच्छा और ज़्यादातर पता है मसाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं खानों में यही तीन जो है
मेन मसाले होते हैं, धनिया और नमक और लाल मिर्च, यही मेन मसाले होते हैं जो यूज होते हैं ज्यादातर खानों में, ये होते हैं तो अक्सर खाने बनी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और तलों की काफी सारी क्वालिटीज हैं, उस पे भी हम जरा सा थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, हमारा किचन पार्टनर भी है तलों पे है, पिछले 70 सालों से माओं का भरोसा जो बनाए आपके खाने मजेदार और सेहतमंद। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कि फिर उसके बाद मैं क्या बोल रही थी, विटामिन बताएं। अच्छा, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, जो कि आपके खानों को रखता है गजाइत से भरपूर। तो आप इस रमजान बनाएं मजे मजे के खाने तलो कुकिंग ऑयल में, ताकि आपके घर वाले और बच्चे भी बोलें अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। क्या बात है हमारे अम्मा की। और दूसरी बात, ये आपने पूरे रमजान में जो जो रेसिपीज बताई है, लेकिन हमने कभी कभी ये भी नोट किया है कि जब हम वहाँ बैठे होते हैं, आप बड़ी मजे की बातें करती है, हम आते तो आप बातें भूल जाती है, कंटिन्यू, लेकिन आते तो बस आप लोग सामने तो होते हैं, मैं आप लोगों से ही बातें कर रही होती हूं, सामने तो हैं बैठे हुए, वो मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम जो देखते हैं कि हम नहीं आते तो बहुत ज्यादा बातें करती है, हमारे आते ही आपकी बातें चुप हो जाती है। आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं ना, तो फिर मैं बोलती हूं आप लोग ही बोले। अच्छा, चले भाई, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं, बस पो गाना ही नहीं रहना से। अज असा जा आलू बैगन ठही रहा है, आलू विनन की सिंधी में वांगण चे बोए, आलू वांगण, वांगण ठही रहा, आलू बैगन। ऐसे देखें, ये इसके गोल्डन होना शुरू हो गया है तलो कुकिंग ऑयल में, और खुशबू भी बड़ी मजे की आ रही है। शॉर्टेज हो गई है, टाइम से गैस आती है, टाइम से चली जाती है, इसलिए आप अपना खाना अपने टाइम से पका के रख दिया करें, वरना फिर आपको पछतावा हो जाता है, यार काश मैं आधा घंटा पहले, मेरे ख्याल था मैं ये बना लेती, मैं वो चीज़। अच्छा, कल पता है मैं रोजे के बाद गई तो मुझे ना फिरनी खाने का बहुत दिल कर रहा था ना, लेकिन कैसी नहीं थी। पहले मैं इसके अंदर आलू और बैंगन डाल देती हूँ, और उसको थोड़ा सा, एक मिनट रुके जी, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, आप टेंशन ना लें, मैं भी एक बैंगन डालूं, आपका मिर्ची चला गया पहले, हेल्प आप कैसी की, नुकसान भी कर दिया, निकाल दे साइड से, कोई मसला नहीं है। नहीं, अच्छा, अगर मसाला ज्यादा हो गया तो, इसका तड़का ज्यादा हो गया तो। कौन सा तड़का? ये जो आपके प्याज फ्राई हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, अब ये आपको जल्दी जल्दी से डालेंगे ना, तो फिर ये जल्दी मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, तो टमाटरों का जब पानी होगा तो वो सही वो हो जाएंगे। ठीक है, सब आपने साथ ही डाल दिया, इन्होंने आलू बैंगन और टमाटर एक साथ ही डाल, साथ ही ठीक है। थोड़ा सा हम प्याज में करेंगे, खुशबू तर सुठी थी अच्छे भाई, ये तलो दिया बिल्कुल, तलो जी सो तलो में पसंद आए, कलर कलर सुठो आयो है, कलर भी सुठो आयो है, तलो असांजे किचन पार्टनर आहे, अमा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। और तलो की मुनफरिद पैकेजिंग की बात तो सुने, अच्छा। आप 3 लीटर में दस्तयाब है ये, और जो है किचन में सहूलत के लिए जो है बहुत ज़रूरत होती है कि किचन में सहूलत हो इस्तेमाल करने में, तो 3 लीटर की जो बोतल है उससे ईजिली आप लोग इसको मज़े के खाने भी बना सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गिरेगा भी नहीं तेल। बिल्कुल, तलो अब बनाए कुकिंग को भी आसान। वाओ, तलो कुकिंग को आसान बनाता है। अच्छा, बनस्पति में जैसे पराठे बना दें ना, वाओ मज़े के होते हैं। चलें, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डालूंगी। हमारा क्या होता है, जब हम घर में खाने पका रहे होते हैं, शुरू से अम्मी ने हमें सिखाया कि आपने तड़का पकाना है, तड़के में आपने ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है, जो वो भी पकता है उसी के साथ। उसके बाद मतलब इच्छा चाहो ना सा जो मारियो कच्चो रंदो आए, यो अदरक का लहसुन कच्ची रंदी आ खुश्क न थींदी आए, अलग ऐसा जो कॉन्सेप्ट में ये जो आप देखो हर कहीं की डिफरेंट होती है, सबको पाने पर हिसाब से बचाए, तो साइकी भी हर कहीं की डिफरेंट आए, तो हीं न ठाई तो हीं अधिक मजे जो रंदो आए। इस तरह से देखें, अभी हम इसको भून ही रहे हैं हम इसके अंदर, इसलिए मैंने लहसुन अदरक अभी ऐड किया, सही, तो जब तक ये बनेगा तो लहसुन अदरक भी इसी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ओके, मसाले आप कब डालेंगे? मसाले अभी डालूंगी, अभी डालूं थोड़ा सा, अच्छा। आपकी हेल्प की थी तो लग गया था, अब लग गया तो पता चल रहा है, लग गया लगा ये था कि मतलब ऑयल जो हो ना फ्राई थे और मैं जी प्याज तो वो छंडो लगी हुए, तो खैर वो ट्राई कर लेते हैं। और ये हम जो लेडीज घर में खाना वगैरह पकाती है, ये तो इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक तो बस मैं फिर इतना सा हाथ नहीं नहीं अपने हाथ से डाल लगे तो चम्मच से उन्होंने डाला तो इनको अंदाजा नहीं होगा, ये सेम मेरी आदत है, सेम टू सेम, मतलब मुझे कहते हैं कि आप कुछ भी बता लीजिए, मैं अपने हाथों से भर के डालती हूँ, तो कहते हैं आप ज्यादा डालिए, मैं कहती हूं मैं अपने हाथ से डाल रही हूं, मुझे पता है हाथ से मैंने अगर नहीं डाला ना
तो मुझसे भी गलती हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगा, मतलब अंदाजो न थिनो तव ना ता की विच जे केत्रो विजो। हां बिल्कुल सही है। और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छा इसमें कुछ और नहीं डलेगा जैसे और दूसरे मसाले आप डालते हैं? कोई भी चीज, गाढ़ा मिर्च में थोड़ा कुटेल मिर्च है ना, वो दादी कड़े में गाढ़ा मिर्च ही है बिनी जो मतलब मिर्च जो जो को फ्लेवर है, लून है, धाना है, इन्होंने कहा अब क्या ही छेना दिया है। बाकी थदी भाजी न थी वही न मसालो भी एरो ना है कुछ बना लाइट होनी ना, मतलब ये जलन वगैरह भी ताके न करनी, एसिडिटी थी या फौरन सा अफतारी जी तक ना हो तो खाने पीने में कुछ लाइट शेक अप लिया, मसाले के साथ भून के बस इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हां बड़े, लेकिन मैंने जो नोट किया है मतलब बहुत ज्यादा कदर ऐसे लोग होते हैं कि जो बैंगन है ना बड़ा उसको स्पेशल बनाते हैं, बड़े बड़े भर भर के मसाले, भरे भरे हरे भरे हरे भरे बैंगन, बैंगन का भरता, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। बिल्कुल बनता है, वो सारी चीजें भी बनती हैं। तो मैं कहा रमजान है, सिंपल रेसिपी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही बात, आसान वाली रेसिपी। क्या बात है, पानी आ गया। चले एक ग्लास तकरीबन इसके अंदर अभी हो गए बेचारे पानी पानी, एक ग्लास पानी जी बिल्कुल। क्या खुशबू आ रही है, वाह 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 वाह, तो लोग ले आ गई अपनी अपने काम पे आ गई से ना। नहीं थोड़ा भी साइड देती तो मैं यार ऐसे, हां आसान जो में जंदे नहीं साइड में साफ हो जान। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से अब इसके अंदर पकेगा। इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी बीच में से बल्कि उसी में कर लेती हूँ। आपने काटनी इनको जी, बस बीच में से थोड़ा सा स्लिट करूंगी, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। okay. इस तरह से। अच्छा खबर तो वजते लेडीज होंदी आए, वैसे भी वो खबर तो होत जाने, पर और तू घर जाना तो गालियों खत्म थे, थी न तो सके इतने ट्रे आए, मैंने कम गणो दियो, रेसिपी भी तैयार थी भैया ऑलमोस्ट जी। बिल्कुल ये हो गया है तैयार, और मैं इसको कर दूंगी अब डिश आउट। ये होता है उल्टे, ये सीधे हाथ से सही काम होता है, आप उल्टे से करती हैं? ओके नहीं मेरा वैसे तो मैं सीधे से ही करती हूँ, लेकिन दोनों में एक्सपर्ट है। हाँ मतलब ये सही हो रहा है, असल में यहाँ से इसे निकालती है ना तो ये दिखा होता है यहाँ से, समझा क्या? तलो में पचायल वांगर है आलू। बिल्कुल ये हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। आइने की शैला थोड़ा ये पहले का स्पून बिल्कुल साइड पे कर दे रहा, मैं समझिए उससे निकालेंगे, जैसे नहीं होता डोई सिंधी। हाँ वो आहते का था वो पया पई थी शा, मतलब यही है यार, नहीं खबर है कि और क्या गार्निश करेंगे आप? बिल्कुल ये ले, और क्या हेल्प चाहिए आपको? धनिया बस, आप हेल्प से खत्म हो जाए, ये हम खुद आपको खा के दिखाएंगे। अच्छा फरमाइश था एकड़ी मकानी मास ये जाने सब हम बाद में जेको तलो किचन जो करे सर ऑयल के साथ बना हमारे बैंगन आलू, बैंगन आलू कमाल। अच्छा आई हां पंजी रेसिपी दी हलंदा से एक बार बियर मना सक चला से, तो रेसिपी रिपीट करें। रेसिपी में हमने क्या किया था मैं बता देती हूँ। हमने तलो कुकिंग ऑयल यूज़ किया था और उसके अंदर प्याज को कर लिया था ब्राउन। प्याज जैसे ही ब्राउन हुई है हमने उसके अंदर आलू और बैंगन, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें डाल के थोड़े से भुना है। इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं, हमने इसके अंदर धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डाला है। okay. इसको डाल के थोड़ा सा भुना है, फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पहले एक गिलास पानी ऐड किया था और उसको उसमें पकाया था, और फिर ब्रेक में हमने एक गिलास पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया था ताकि वो गल जाए। जब गल जाएगा तो आपने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, और ऊपर से मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला है, तो मज़ेदार सी हमारी जो तलो में बनी हुई रेसिपी है वो हो जाएगी रेडी। बिल्कुल असांजी रेसिपी तलो में तैयार थी है, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। हाँ हलूँ तो शैला दे